कंग्रेचुलेशन पापा, हमारी यूट्यूब पेमेंट आ गई। वेलकम बैक अमर स्वैग। तो दोस्तों कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस आज है संडे और अभी दोपहर के बज रहे हैं 3 और महीने का भी आज पहला दिन है, मतलब 1 मई आज। तो देखते हैं आज क्या क्या होता है और बाकी ब्लॉग में बने रहना, स्किप मत करना थोड़ा सा भी। हाँ, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर दो। पता नहीं 2-3 दिनों से पता नहीं क्या हो रहा है, जो आईफोन ले रखा है ना हमने 11, वो 80% से ऊपर चार्ज हो ही नहीं रहा। पता नहीं क्या सीन है, समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा लगता है ख़राब हो गया। लेकिन अभी YouTube पे चेक किया मैंने तो बोल रहे हैं कि गर्मी की वजह से होता है शायद, इस वजह से, क्योंकि हम टॉप फ्लोर पे भी रहते हैं, उसमें ज़्यादा हीटिंग वगैरह है, इस वजह से शायद हो रहा हो। जिन्हें आईफोन के बारे में जानकारी होगी उनसे एक दो बार पूछ लूँगा तो मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा, नहीं तो पता नहीं कुछ सीन हो जाए तो इससे अच्छा दिखाना खाना सही रहता है। बाकी तो मेरे को लग रहा है ये हीटिंग की वजह से ही हो रहा है, तो देखते क्या होता है। एक आइडिया, नीचे तो टेम्परेचर कम होगा ना, इधर गर्मी है, मतलब टॉप फ्लोर पे गर्मी है जहाँ पर मैं रहता हूँ, मतलब जहाँ पर मैं हूँ, तो नीचे मतलब जहाँ पर मम्मी पापा हैं वहाँ पर फ़ोन चार्ज पर लगा के देखता हूँ, शायद फिर 100% हो जाए, देखते हैं। तो अब हो गया अपना फ़ोन फुल चार्ज, क्योंकि हमने नीचे वाले कमरे में चार्ज लगाया था, उसमें थोड़ी सी ठंडा रहता है वो रूम और मेरा वाला रूम बहुत गर्म रहता है, तो इसलिए उसमें चार्ज नहीं हो रहा था। पता नहीं क्या सीन है आईफोन में, पहले नहीं पता था मुझे, चलो कुछ तो सीखने के लिए मिल रहा है कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी था। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं सूट पे, अभी टाइम हो रहा है 5 बजने वाले हैं, 5 बजने वाले नहीं 5 बजे क्या 5 बज गए, हाँ 5:12 हो रहे हैं और अभी हम अपनी लोकेशन पे आ चुके हैं मेरी। तो अभी यहाँ पर वीडियो शूट करेंगे और कविता शेरनी बन के आई है तो ये बाल बड़े मस्त हैं भाई, कोई करता नहीं है तो खुद की तारीफ तो करनी पड़ती है और मैं ना वो लूंगा गोरिल्ला पोर्ट लूंगा, जो ना मतलब फोन ना थोड़ा सा हिलता है और गोरिल्ला पोर्ट से ना यूं करके पकड़ लेंगे, तो अभी कुछ दिनों में लेने वाला हूँ, तो बता देना गाइस कौन सा गोरिल्ला पोर्ट बेस्ट रहेगा आईफोन के लिए, बता देना ठीक है गाइस। चलो अभी आ चुके हैं अपनी शूट लोकेशन पे, ये पेड़, तो अभी यहाँ पर शूट करेंगे जो भी शूट करना होता है। यहाँ पर एटीट्यूड वाली वीडियो शूट करते हैं और जो वहाँ पर सैड वीडियो, मतलब अलग 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 वीडियो की अलग अलग लोकेशन होनी चाहिए। तो अभी हम एटीट्यूड करेंगे कविता या सैड वाली, चल आज मौसम सही है तो पहले एटीट्यूड वाली कर लेते हैं, बहुत दिनों से एटीट्यूड वाली वीडियो शूट नहीं हुई है कविता की, तो आज यहाँ पर एटीट्यूड वाली वीडियो शूट करेंगे इस वाली लोकेशन पे, बाकी हम सैड वीडियो शूट उस लोकेशन पे करते हैं। कांग्या सॉरी कांग्या आइए, दिखाई नहीं दे रहा हूँ मेरे ख्याल बहुत दूर है ना इस वजह से, तो अभी हम यहाँ पर एटीट्यूड वाली वीडियो शूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर से मैं शूट करूँगा इधर खड़ा होके और यहाँ पर कविता कुछ भी एक्ट जो भी उसे करना होता है वो करेगी, तो करते हैं फिर शूट, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ओए होए कविता देख, ओए अब तो 50,000 बाकी है, बल्ले बल्ले जल्दी करवाओ गाइस, ये भी 50,000 गाइस 50,000 बचे हैं, बस 1 मिलियन होने वाले हैं कविता स्वैग के, बस 50,000 बचे हैं बाकी हैं। तो अभी वीडियो हो गए शूट, अब चलते हैं हम घर, तो और 50,000 बाकी हैं, इसे जल्दी से जल्दी करवा दो, 1 मिलियन हो जाएंगे कविता के। कुछ बोलना चाहेगी? थैंक यू सो मच गाइस, इतना सपोर्ट करने के लिए क्या बोलूं, शब्द कम है, नहीं है नहीं शब्द कम है बोलने के लिए। तो गाइस वीडियो हो गई है शूट और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, और कविता के आज हो गए 950,000 फॉलोवर कंप्लीट, अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं शाम के, तो चलते हैं घर की तरफ, फिर देखते हैं घर पे क्या क्या होता है आज। और हाँ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब क्या करो गाइस और लाइक कमेंट शेयर जरूर 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 से जरूर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, भैया बोतल क्या हुआ भूल गई गाइस, ये बोतल आज फिर भूल गई, देखो कहाँ पर है, मिल गई बोतल, थक
गई। रोज का रोज भूलना है तेरा बोतल। दे मेरे को पानी भी ले बहन। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 9 और अभी हम आए हैं क्या लेने, मिठाई लेने। और आज मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है जो आपको अभी पता चल जाएगा। पहले मिठाई लेते हैं फिर घर पे जाके बात करते हैं। तो गाइस अभी हमने मिठाई ले ली है, ये रही मिठाई। अभी जा रहे हैं हम घर की तरफ और घर पे सबको खिलाते हैं। काला आ रहा हूँ मैं तो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई घर में आ जाओ एक बार। मम्मी पापा। तो गाइस अभी मम्मी गई है ऊपर मंदिर पे पूजा करने और थोड़ा प्रसाद चढ़ाने, फिर नीचे आएगी। लेकिन अभी तक उन लोगों को पता नहीं है कि क्या हुआ क्या है, बट लेकिन पहले सब खाएंगे फिर बताऊंगा। तो अभी मम्मी आ रही है ऊपर से, फिर देखते हैं। लेकिन सरप्राइज होने वाला आज, मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है आज। तुझे पता है? पता भी होगा मगर पता नहीं है। बोल भी पता भी होगा पता नहीं है। जी तुम्हें पता है? किसी को भी कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है आज। मुझे पता है बट पता नहीं है। ये कौन सा पता होता है? मन मन में लग रहा है पता है। चलो ठीक है देखते हैं। अब सरप्राइज है बस देख लेना। लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है बस इतना बता रहा हूँ। कंग्रेचुलेशन पापा। लेकिन बताऊंगा नहीं। अरे भाभी चलो खा ले खाओ जितना मर्जी खाना है। आया आओ आओ बैठो और खाओ। बैठो जल्दी बता दो जल्दी खाओ। बस चैलेंज हो रहा है अभी खाओ। कौन कितना खा सकता है? अभी नहीं बताऊंगा। भी मत खा लेना कि बार बार जाना पड़ेगा। तुम ले कर आयो तो चार भाल दूंगा मैं। ये तो आपने भी रसगुल्ले खिलाए बट किसलिए खिलाए तूने? ऐसे कैसे बता तू? अभी नहीं पहले इसे फिनिश करो तब बताऊंगा। ये पूरा डब्बा खत्म होते ही मम्मी पापा को बताऊंगा साइड में ले जाके, वो भी ऊपर वाले कमरे में। लेकिन और किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं बाद में बताऊंगा तुम सब लोगों को। और बताओ। लेकिन पहले मम्मी को, पहले मम्मी पापा को बताऊंगा। पहले रसगुल्ले पापा फिनिश करेंगे। पापा और मम्मी, पापा जल्दी आओ। है कुछ मम्मी? अभी रुक पहले खाओ पहले डब्बा खत्म करो। क्या बोल रहे? मेला तसल्ली नहीं हो रही भाई, मेला यही बताओ। अभी पता चल जाएगा, पहले मम्मी पापा को तो बता दूं। ले जा चलो यही बताओ यार। थक जाएंगे ऊपर जाते हैं। अभी बताऊंगा अभी बताऊंगा, टेंशन ना लो। अब बताओ तुम गैस करो क्या हो सकता है भाई? मेरे अपने मुकाम पारा जो सोच रहा है। तेरे को क्या लग रहा है? मुझे भी यही लग रहा है। क्या बताओ? तेरे को भाई लग रहा है। नहीं तो क्या बोलते हैं, मैं भी यही लग रहा है। परसों वीडियो में बता रहे थे। और तू बता क्या? वही लग रहा है क्या? अब तो भाई बता दे क्या हुआ है, क्या समाचार है? बता दो कविता। हाँ बता दो पक्का। हाँ वैसे तुम लोगों को क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? पता नहीं क्या हो सकता है। अब विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है या वो पता नहीं है? पता नहीं। हाँ वही तो बात है। पक्का बता दो कविता। बता। तो आज हमारी यूट्यूब पेमेंट आ गई। ओए ये लो मम्मी, लो मम्मी पापा लो। अभी बताओ पहले ये सब छोड़ो बाद में गिन लेना। अभी बताओ कैसा लग रहा है? तो गाइस मम्मी पापा को पेमेंट दे दी इस महीने की, जो हमने सोचा था मतलब 6-7 साल हो गए। आज मेरी यूट्यूब की जो फर्स्ट पेमेंट आई ना, इतना खुशी हो रही है ना गाइस। मैंने सबसे फर्स्ट पेमेंट मैंने सोचा था कि अपने मम्मी पापा ही को दूंगा, तो आज मैंने दे दी। मानते हो यूट्यूब उठाओ, तड़की उठाओ और आगे बढ़ो। ढोल बैंड भैया पर तड़की उठाओ। आते कविता नाम रोशन करो। थैंक यू। कुछ बोलना चाहती है? क्या बोलना चाहती है? राम रोशन करो। राम रोशन तो करेंगे, और क्या बोलना चाहती है? जैसे हम लोगों को इतनी सपोर्ट करती है पब्लिक, तो क्या बोलना चाहती है? सबको धन्यवाद, नमस्कार। दीदी मम्मी पापा को तो पता चल गया, लेकिन तुम लोगों को नहीं पता अभी। तभी तो पता चलेगा भाई। बता दूं? बता दे कविता, तू बता दे। अटा कविता
ना तुम बताओ आपके बाद तुम बता तुम्हारे मुझे अच्छा लगेगा। अरे बस खा लिए भूल जाओ अब। खुश हो ना बाबा अब? अब खुश हो ना? खुश हो? अरे खुश है। कितना? बहुत ज्यादा। बहुत खुश ज्यादा। मम्मी कितनी खुश है? बहुत खुश है। बहुत खुश है। आज हमारी फर्स्ट पेमेंट आ गई थी। तो इसलिए तो अभी मैं व्लॉग एडिट करके हटाऊं और अभी बज रहे रात के 2 और लाइक कर दो। तो गाइज आज के व्लॉग में इतना ही। गाइज बहुत बड़ी कहानी है, कभी सोचा नहीं था कि फर्स्ट पेमेंट। एक समय पे तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि यूट्यूब से पैसे आते हैं, लेकिन आज इतनी खुशी हो रही है ना गाइज बयां नहीं कर सकता। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो सब चीज़ बयां करूंगा अपनी लाइफ में जो चली है, लेकिन अभी नहीं आएगी वो वीडियो, आएगी टाइम पे आएगी लेकिन अभी नहीं। तो गाइज आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बता देना, और कसम से गाइज आज दिल से बहुत खुशी हो रही है गाइज ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करा करो गाइज। आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम लोग मेहनत करेंगे, हम मेहनत करते रहेंगे, लेकिन आपका सपोर्ट ना बहुत मायने रखता है हमारे लिए। एक लाइक आपका, एक सब्सक्राइब और एक शेयर आप लोग करते हो ना वीडियो को, बहुत खुशी मिलती है गाइज। बस ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहो, कसम से गाइज दिल से लव यू गाइज, ऐसे सपोर्ट करते रहना और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे कंटेंट लाता रहूँगा और वीडियो बनाता रहूँगा। और मैं भी इंस्टाग्राम पे आऊँगा, बहुत जल्दी आऊँगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम और। तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आएगा ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। लव यू गाइज, ऐसे सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद जय भारत।